Hello guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. If we talk about final days, then there is no room for mistakes. ऐसा कहा जाता है कि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है. इस वीडियो में मैं एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करूंगा. ये स्ट्रेटजी वीडियोस नहीं है, डूज एंड डोंट्स के बारे में वीडियोस नहीं है, जिसमें आपको ये बताऊं कि बहुत अच्छे से सो के जाना है आपको एग्ज़ाम से पहले वाली रात को, एग्ज़ाम हॉल पे टाइम पे पहुंच जाना है, फोटोज़ एंड आईडी कार्ड आपको लेके जाना है. विल नॉट डिस्कस अबाउट दीज नॉर्मल कॉमन सेंस थिंग्स. मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो, और ये वीडियो देखने के बाद यू विल रियलाइज कि एक्चुअल में मोस्ट ऑफ अस आर मिसिंग दिस पॉइंट, एंड कहीं ना कहीं ये हमें बहुत डियर कॉस्ट करता है. एक कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी खरगोश और कछुए की. खरगोश बहुत तेज़ भागता है स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट में सुस्ती ले लेता है तो उसका जो रेस है वो हार जाता है कछुए से. उसी तरह अगर आपने साल भर बहुत मेहनत करी है और लास्ट में अगर आपने सुस्ती ली और अपने माइंड को थोड़ा सा एक्टिव नहीं रखा, तो देर आर चांसेस कि आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में. इसलिए जो इस वीडियो में मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, उन चीज़ों का आप ध्यान रखें, डेफिनेटली आपके स्कोर में ये चीज़ें हेल्प करने वाली है. द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि लास्ट के दिनों में, लास्ट वीक, लास्ट 5 डेज और लास्ट 3 डेज और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, मेक श्योर कि आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें जो आपने पढ़ी नहीं हो. ऐसा होता है ऐसा मेरे साथ भी होता था एंड डेफिनेटली आपके साथ भी होता होगा. जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, लास्ट दिन की बात कर लेते हैं, हम एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं तो कई सारे ऐसे लेजेंड होते हैं जो हमें मेट्रो में मिल जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल के बाहर मिल जाते हैं, जो कहीं ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, एंड सडनली दे विल डिस्कस अबाउट ऐसे टॉपिक के बारे में, दे विल डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक विच यू नेवर हर्ड. और फिर आपको टेंशन हो जाएगी, आपके पैरों तले ज़मीन एकदम से खिसक जाएगी कि ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, और वो टॉपिक आपको इतना इंपॉर्टेंट लगेगा कि अगर आपने ये पढ़ा नहीं तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली ख़राब होने वाला है, और उसी टेंशन में आपके एग्ज़ाम की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं डाउन जाती है. तो ऐसे टॉपिक के बारे में आपको लास्ट के 5-7 दिन में बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं सोचना है जो आपने नहीं पढ़ा हो. वेदर योर फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग दोज टॉपिक्स, या आप एग्ज़ाम हॉल के बारे में किसी ने बोल दिया कि ये वाला टॉपिक आपने पढ़ा, फिर आपको लगे यार नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा, तो फिर बोले यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आपको टेंशन स्टार्ट हो जाएगी. उसकी वजह से एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है ये, आपका थोड़ा सा इनसिक्योरिटी माइंड में आपके बैठ जाती है, कहीं ना कहीं आपको लगता है यार मैं शायद वो टॉपिक नहीं पढ़ा हूँ तो शायद मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है. ऐसी वाली चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर हिट करती है, इसलिए ध्यान रखो इन टॉपिक से, ऐसे लोगों से, ऐसे लेजेंड से थोड़ा सा हटके रहो लास्ट के दिनों में. द सेकेंड टॉपिक इज़ आपको ओल्ड इज़ गोल्ड वाली फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लेके चलना है. ओल्ड इज़ गोल्ड से मेरा मतलब ये है जो आपने पढ़ा है वो ओल्ड है, और जो आपने नहीं पढ़ा है वो भूल जाओ क्या है. आपने जो पढ़ा है वो गोल्ड है. इट मीन्स यू नीड टू रिवाइज व्हाट यू हैव रेड अगेन एंड अगेन फॉर द लास्ट 5 to 7 days. And that is the key. That is the most important key. Let me tell you again this thing. This is the most important key for any competitive exam. जो आपने पढ़ा है revise it. Revise it multiple time. आपने notes का ऐसे एक summary वाले notes बनाए, जैसे बहुत बड़ा notes है मेरे पास 100 पेज का, उसमें से 10 पेज important मैंने लिख रखा है, तो well and good. Revise those 10 pages. अगर आपने नहीं बनाया तो revise the entire book, और उसको थोड़ा सा quick revision आपको करना है, से फटाफट उसको पढ़ा और ख़त्म कर लिया. आपने अगर समरी बना रखी है तो वेल एंड गुड, अभी समरी बनाने का टाइम नहीं है, आप इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरी बुक का आप समरी बनाने बैठोगे तो शायद अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है. लेकिन जो भी आपने बना रखा है, जैसे भी बना रखा है, रिवाइज देम. 10 टॉपिक्स है, यू हैव रेड द 7, रिवाइज द 7 टॉपिक्स. ये 7 से आप इतना स्कोर कर लोगे, बाकी 3 के चक्कर में भागोगे तो इन 7 का स्कोर भी आपका डिप कर जाएगा. दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग. और तीसरी चीज़ जो SSC के एग्ज़ाम में आजकल बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन को इधर उधर कर दे रही है, दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ द पेपर कंडक्टेड. जो भी पेपर हो चुका है उसकी एनालिसिस आप ज़रूर देख के जाएँ. आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में है तो गुड लक फॉर दैट. उसके अलावा आपका किसी भी शिफ्ट में है तो आपका उससे प्रीवियस शिफ्ट का आप एनालिसिस जरूर देख के जाएं. एनालिसिस के कई वेज हैं, लॉट ऑफ टीचर्स आर डूइंग इट ऑन यूट्यूब. आप कोई भी एक जेन्युइन टीचर जो ऑथेंटिक लगता है आपको, वहाँ से आप उनके एनालिसिस ज़रूर देख के जाएँ. स्पेशली मैथ एनालिसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं. अलग अलग जगह नहीं भागना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे सभी टॉपिक्स की एनालिसिस कराई जाती है. जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसी दिन की एनालिसिस आपको मिलेगी. जैसे मैथ्स में
आप अभिनय सर को देखोगे तो अभिनय सर अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस होती है, वो एनालिसिस की स्पेशल क्लासेस होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ऐसा नहीं कि इनके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक जगह पूरा एनालिसिस देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा होता है कि जो पेपर में आ चुका है देर आर चांसेस कि सेम और सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे के देखने को मिलेंगे। इसलिए एनालिसिस ज़रूर देख के जाएँ। आप चाहे एक टॉपिक कुछ रिवाइज करने वाले थे वो टॉपिक रह रहा है तो रहने दो, उसको एनालिसिस ज़रूर देख के जाएँ। जीके का एनालिसिस यू कैन स्किप, बाकी आप रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश का भी एनालिसिस इतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि इंग्लिश में फिर से नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग एनालिसिस ज़रूर देख के जाएँ। मैथ्स का स्पेशली आपको सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ डेज। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट है, वो है मॉक टेस्ट। लास्ट के 5-7 दिन में ट्राई टू गिव एटलीस्ट 10 मॉक्स। मॉक टेस्ट हम ऐसा सोचते हैं कि मॉक इज ओवर हाइप्ड, बट लेट मी टेल यू, मॉक इज द की, मॉक इज द की, आई एम सेइंग इट अगेन, मॉक इज द की। आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच यू नो। अगर आप मॉक दे के एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेमिलियर दिखेगी। मॉक दो, आपको टाइमली एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस होगी। और लास्ट के 5-7 जो दिन बचे हैं उसमें ट्राई टू गिव मॉक, जो आपका एग्ज़ाम टाइम है, जैसे आपका एग्ज़ाम है 2-3 दिन में, तो 2-3 बजे ही आप डेली मॉक टेस्ट देने की ट्राई करो। ये छोटी चीज़ है लेकिन लेट मी टेल यू, ये अफेक्ट करती है आपकी परफॉर्मेंस को। आप 2-3 डेली शाम को सोने लग जाओ, मतलब दिन में 2-3 आप सोने लग जाओ और सेम डे 2-3 आप एग्ज़ाम दो, आपको डेफिनेटली नींद जैसा लगेगा वहाँ पे। चाहे आपको नींद नहीं आए बट आपका माइंड थोड़ा सा सुस्ताने की ट्राई करेगा। सिमिलर वे अगर आप 2-3 डेली मॉक दे रहे हो तो आपको एक हैबिट बन जाएगी, उस दिन आप अच्छा परफॉर्म करोगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, एंड दिस इज अबव एंड बियॉन्ड डूज एंड डोंट, जो नॉर्मल डूज एंड डोंट होते हैं उनसे अबव है। शायद आपको एहसास भी हुआ होगा इस वीडियो को देखने के बाद। और इसके अलावा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू कैन परचेज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज़ माई कूपन कोड मिस्टर टू टेल्स, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बी इट एसएससी एग्जाम, बैंक एग्जाम, यूपीएससी, रेलवेज, अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।